आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ पैन फ्राई नूडल्स खूब सारे वेजिटेबल्स के साथ। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के साथ कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रंगोली किचन में। तो आज ये नूडल्स बहुत ही हेल्दी और यमी बनने वाला है खूब सारी सब्जियों के साथ, जिसमें ब्रोकली है, मशरूम है, जुकुनी है, हरा प्याज है, गाजर है। तो जितनी सब्जियां आप डाल सकते हैं, बेबी कॉर्न आप डाल लीजिए, बहुत ही मज़ा आता है खाके। तो खूब सारी सब्जियों के साथ चलिए बनाते हैं पैन फ्राई नूडल्स। तो पैन फ्राई नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले बॉईल करेंगे नूडल्स को। तो इसके लिए लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में पानी, गैस करते हैं ऑन और गरम होने देते हैं। तो गरम हो चुका है, अब डालेंगे नूडल्स को। तो ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा आपको। तो जैसे ही ये थोड़ा सा पकेगा ये खुलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से टूटे ना ध्यान रखना है और इसे पकाएंगे 75%, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसमें एक उबाल आने देंगे। तो उबाल आ चुका है, तो ये हो चुका है, 75% पक चुका है ये। तो गैस बंद कर देते हैं और निकाल लेते हैं एक बोल में। आप चाहें तो छन्ने में छान लें इसे। तो ये निकाल लिया है, अब इसमें डालेंगे ठंडा पानी ताकि पकना बंद हो जाए। तो इसे अच्छे से धो लेना है ठंडे पानी से ताकि पकना बिल्कुल बंद हो जाए। तो ये दो बारी धो लिया है, पानी सारा निकाल दिया है। अब डालेंगे इसमें ऑयल, तिल का तेल 2 चम्मच और मिक्स कर देंगे। आप कोई सा वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं। तो चलिए अब ब्रोकली बॉईल कर लेते हैं। तो कढ़ाई में लिया है पानी, गैस को ऑन कर दिया है और अब डालेंगे ब्रोकली को जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। और बस पकने देंगे 5 से 7 मिनट, क्रंच मेंटेन रखना है। तो 75% ही पकाना है। तो जब तक ये पकता है चलिए काट लेते हैं सब्जियों को। तो सबसे पहले काटेंगे गाजर, तो छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे पहले और बस जिस हिसाब से काटना है आप काट लीजिए। मैं कुछ इस तरह से काट रही हूँ। तो गाजर हमारा कट चुका है, तो करते हैं इसे साइड में और काटेंगे मशरूम को। तो मशरूम को 4 टुकड़ों में इस तरह से काट लेंगे। तो मशरूम भी हमारा कट चुका है, इसे भी करते हैं साइड में और अब काटेंगे जुकुनी को। तो सबसे पहले ये पार्ट निकाल देना है और इस तरह से काट लेना है इसे। ये भी कट चुका है, अब हरे प्याज को काट लेते हैं। तो ये प्याज भी कट चुका है, अब काटेंगे लहसुन को। तो पहले क्रश करेंगे इस तरह से। और बस इकट्ठा करके इस तरह से बारीक बारीक काट देना है।
तो लहसुन भी बारीक सा कट चुका है, अब काटेंगे अदरक को। तो सारी सब्जियां कटकर तैयार हो चुका है। चलिए अब देखते हैं ब्रोकली को। तो ब्रोकली भी हमारा पक चुका है 75%, इसे निकाल लेते हैं। और इस पानी को फेंकना नहीं है, इसे इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रांसफ़र कर देंगे इसको किसी बर्तन में। और ब्रोकली का कलर मेंटेन रखना है तो धो लिया है ठंडे पानी से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये कढ़ाई गैस ऑन कर देते हैं, गर्म होने देते हैं। अब डालेंगे इसमें 25 ग्राम बटर और मेल्ट होने देंगे धीमी आंच पर। तो बटर मेल्ट हो चुका है, अब डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ और 30 सेकेंड के लिए भुनेंगे इसको। तो ये भुन चुका है, अब डालेंगे इसमें हरा प्याज थर्टी सेकेंड, इसे भी भुनेंगे। क्रंच मेंटेन रखना है। अब डालते हैं गाजर, तो इसे भी भुनेंगे। और अब डाल देते हैं जुकुनी और मशरूम को। और आंच कर दिया है तेज, तो तेज आंच पर इन सबको भुनेंगे अच्छे से। तो 2 से 3 मिनट भून लिया है इसे तेज आंच पर। अब डालेंगे 2 बड़े चम्मच सोया सॉस और साथ में डालेंगे सेजवान चटनी 2 बड़े चम्मच और बस मिक्स करेंगे इसे। तो ये सारे काम तेज आंच पर करना है। अब डालेंगे ब्रोकली को और इसे भी भुनेंगे 2 मिनट। तो 2 मिनट हो चुका है, अब डाल देंगे ब्रोकली वाली पानी को। यहाँ पर वेजिटेबल स्टॉक आप डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च 1/2 चम्मच, मिक्स करेंगे। और अब बारी आती है कॉर्नफ्लोर डालने की। तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए हैं और इसमें डाला है 1/2 कटोरी पानी, घोल लेंगे इसको। और थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स करेंगे। तो ये सारा डाल दिया है और पकने देते हैं 3 से 4 मिनट तेज आंच पर। तो 3 से 4 मिनट हो चुका है और ये पक चुका है अच्छे से। तो गैस करते हैं बंद और हम बना रहे हैं पैन फ्राई नूडल्स। तो चलिए नूडल्स को फ्राई करते हैं। तो ये रहा पैन, गैस कर दिया है ऑन और इसमें डालेंगे बटर, मेल्ट होने देंगे, थोड़ा सा इस तरह से फैला देंगे। और अब डालेंगे नूडल्स,
तो थोड़ा सा फैला देंगे इस तरह से। तो फ्राई होने देते हैं। तो ये हो चुका है, पलट लेते हैं। तो ये पलट दिया है, थोड़ा सा सेट कर देते हैं इसे। तो ये नूडल्स भी फ्राई हो चुका है। तो चलिए करते हैं सर्व। और सर्व करने के लिए लिया है प्लेट, डालते हैं नूडल्स को और ऊपर से ये सब्जियां। तो बहुत ही हेल्दी और यमी रेसिपी पैन फ्राई नूडल्स तैयार है। तो इस तरह से आप भी बनाइए इन सर्दियों में और आनंद लीजिए फ्राई पैन नूडल्स की। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।